Hi guys, welcome to my channel. I'm Nandini and I make videos related to makeup, skincare hauls, reviews and about South Korea. So, आज मैं आई हूँ ऐसे न्यू अपने तीन मेन काम करने, जो कि है अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी है मुझे, उसके बाद मुझे अपना ARC लेना है. मेरा ARC आ गया है. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप SNU के स्टूडेंट हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका सारा काम SNU में होगा. तो मुझे इमिग्रेशन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ARC लेने के लिए, मुझे SNU में आना पड़ा और आना पड़ा नहीं, आई हूँ ARC लेने के लिए. और थर्ड काम है, मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है यहाँ पे. तो चलो, मुझे पता नहीं मैं आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग दिखा पाऊँगी, लेकिन ये श्योर है कि आपको इस वीडियो में SNU की खूबसूरती दिखेगी, क्योंकि SNU बहुत सुंदर है. और चलो अभी हम चलते हैं. SNU का लैंग्वेज एजुकेशन सेंटर, ये मिल गया मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट और ये मिल गया मुझे मेरा ARC. चलो अब हम चलते हैं. अगर आप लोग भी SNU लैंग्वेज एजुकेशन सेंटर में पढ़ोगे तो ये है 137 बिल्डिंग और आपको यहीं आना है. अब मैं जा रही हूँ अपना बैंक खुलवाने, सॉरी बैंक में अकाउंट खुलवाने. और मुझे पर पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पे है, तो आप देखते हैं. चलती रहूँगी आज शायद पूरा दिन यहाँ पे, पर आपको ये देखना चाहिए जो मेरे सामने है. मैं हिल स्टेशन में पढ़ती हूँ. एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा तो हिल स्टेशन दिखता है. और ये है SNU की शटल बस, जो सिर्फ SNU में चलती है, आई मीन SNU के अंदर घूमती है, और ये फ्री है स्टूडेंट्स के लिए. इतनी हरियाली, मुझे पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है, बस चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ. देखते हैं, आज अच्छी खासी वॉकिंग हो जाएगी. ये है कैफेटेरिया और आई थिंक ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये है सेंट्रल लाइब्रेरी. मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे या तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी है, इन दोनों में से कोई एक है. आज साइंस के किसी डिपार्टमेंट का ग्रेजुएशन डे है. अगर मुझे कोई दिखा तो मैं आपको दिखाती हूँ. मैं पिछले आधे घंटे से घूम रही हूँ और आई थिंक जहाँ मैं पहले गई थी वो जगह सही थी, पर मैं फिर से वहीं जा रही हूँ. ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी कंट्री में नए होते हो और जब आपकी यूनिवर्सिटी हद ज़्यादा बड़ी होती है. चलो फिर से चलते हैं वहीं पर. ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला, ये लेक जम रखी है. इतनी ठंड है और एक्चुअली आज बहुत ठंड है, मेरी कुल्फी जम गई है. एक्चुअली मुझे इतना कुछ नहीं हो रहा जितने मेरे हाथों को हो रहा है. कब मिलेगी मुझे मेरी जगह? तब से घूम ही जा रही हूँ, घूम ही जा रही हूँ, घूम ही जा रही हूँ. फाइनली अब जहाँ मैं जा रही हूँ आगे सुबह कुछ सही जगह, तो चलते हैं. वैसे जगह कितनी सुंदर है, लेक जो फ्रीज हो रखी है, पर कोई बात नहीं. और फाइनली मेरा बैंक अकाउंट कोरिया में खुल गया. ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं था, एक्चुअली कुछ भी मुश्किल नहीं था. हमें बस टिक 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 साइन 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 टिक 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 साइन 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 करना था और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे. मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं. मैं आपको मेनली सिर्फ यही बता सकती हूँ कि SNU में कैसे खोलते हैं, क्योंकि मुझे बाकी का नहीं पता है. बाकी मैंने जो सुना, हो सकता है आपको कुछ कुछ बैंक में अपना RT-PCR रिपोर्ट सबमिट करनी हो,
ऐसा मैंने सुना था, वैसे मुझे कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन उन्होंने फिर भी मांगा था तो ऐसे हो सकता है कुछ बैंक्स के रूल। लेकिन अगर आप SNU में उरी बैंक में अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलते हो तो बहुत आसान था, मैं आपको बता दूंगी कैसे होता है। और अब हम घर जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। उनको अगर आप SNU आते हो और आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको आना है इस जगह पे। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कौन सी बिल्डिंग नंबर है, जो मुझे याद नहीं आ रही। इसके अंदर जाके बिल्कुल डायरेक्ट उरी बैंक का, और वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। और ये है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट से SNU का व्यू। ये है SNU का फेमस एंट्री गेट, जिसको बोलते हैं शा। ये SNU के कोरियन अल्फाबेट में इनिशियल है। मैं अभी SNU के एंट्री गेट में हूँ और ये है SNU का द फेमस एंट्री गेट शा। उल्टा बोला ना मैंने, द फेमस शा। यहाँ पे जो भी कोई आता है ना, वो हमेशा फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है। अभी वहाँ पे मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ पे बहुत आई के सर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ग्रेजुएशन है, तो सब यहाँ पे आके अपनी पिक्स क्लिक करा रहे हैं। काश मेरे पास अभी कोई होता तो मैं भी क्लिक करा दी, पर कोई बात नहीं, हम यहीं पे हैं अभी। किसी और दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगी और यहाँ पे अपनी पिक क्लिक कराऊँगी। अगर आप किसी न्यू के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी कभी अगर आप कोरिया आओ तो यहाँ पे आके ज़रूर एक बार पिक क्लिक कराना। ये है SNU का हॉस्पिटल। हाय गाइस, वेलकम बैक। ये पार्ट मैं शूट कर रही हूँ ऑलमोस्ट एक वीक बाद, क्योंकि उस दिन जब मैं वापस आई थी ना, मैं इतनी थक गई थी, ऑलमोस्ट मैं 10 से 11 किलोमीटर चली थी। आके मैं इतनी ज़्यादा थक गई कि मैंने कन्वीनियंस स्टोर से एक बर्गर लिया, हॉट चॉको लिया, आके खाया पिया और मैं सो गई। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ये पार्ट शूट कर पाऊँ और मैं आपको सारी डिटेल्स दे पाऊँ, ARC, मेरे बैंक अकाउंट, इन सब के बारे में। तो भी हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है यहाँ पे साउथ कोरिया में, तो आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ बैंक मांग सकते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि क्या प्रोसीजर होगा। और आई एम प्रीटी श्योर हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता होगा, अगर ऐसा नहीं भी होता होगा तो एटलीस्ट SNU में बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में ना कुछ बैंक्स पक्का होते ही होंगे। SNU में बहुत सारे हैं, जैसे कि उरी है, शिनहान है, उरी बैंक, शिनहान बैंक, और एक और कोई बैंक होगा, आई गेस एक दो और है, मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया उरी बैंक में, आप किसी में भी खुलवा सकते हो। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं SNU गई तो मैंने अपना पहले ARC लिया, मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट ली। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि ARC दिखता कैसा है। मैं आपको एक्चुअली ढंग से दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स है जो मैं नहीं दिखा सकती ऐसे कैमरे में, तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं आपको कैसे दिखाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊँ, मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं दिखा सकती ज़्यादा पास से, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं। और मतलब इसमें लिखा है आपका एक रेजिडेंस कार्ड नंबर होता है, वो लिखा है, आपका नेम, आपकी कंट्री तक वैलिड है, आप का एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ये सब कुछ लिखा होता है। आपके ARC कार्ड, ARC क्या होता है, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, सिंपल लैंग्वेज में रेजिडेंस कार्ड। तो ये तो हो गया ARC की बात। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बोले कि आपको खुद अप्लाई करना है, तो आपको ये सब कुछ लेने, ये सारा काम करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं SNU की स्टूडेंट हूँ, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा सारा काम SNU में होता है, तो मुझे ये SNU से ही मिल गया, SNU के बेनिफिट्स। तो हुआ क्या उस दिन, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो ना, जो ATM है वो अलग अलग जगह पे भी है और बैंक भी है जो अलग अलग जगह पे है। तो मैं जहाँ पे नॉर्मली SNU के ATM में जाती हूँ, पहले मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई बैंक नहीं है। वहाँ पे शिनहान बैंक था लेकिन उरी बैंक नहीं था, और मुझे उरी बैंक जाना था। तो मैं
वहां से एक बिल्कुल अलग रास्ते में, पता नहीं क्यों चल रही थी मैं, इतना आगे चली गई एक तरीके से वहां पे मुझे एक तरीके से बिल्डिंग का एंड दिख गया। ऑल दो यूनिवर्सिटी उसके आगे भी थी, लेकिन मुझे लगा कि अब तो यहाँ पे बिल्कुल अलग ही चीज स्टार्ट हो गई है, तो मुझे वापस जाना चाहिए। और मैं आधा पौना घंटा मैं सिर्फ चल रही थी, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ भूल गई होंगी उस जगह पे, ढंग से नहीं देखा होगा मैंने। फिर मैं उसी जगह पे गई, मैंने ढंग से देखा, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ शिनान बैंक है और कोई बैंक नहीं है, बाकी और चीजें स्टोर वोर है वहाँ पे। फिर मैं बिल्कुल अपोजिट रास्ते गई और मुझे वहां पे इतनी दूर जाके मेरा बैंक दिखा। पहली बात तो ये कि मैं वहां पे ज्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक बैंक था, मैं वहाँ पे ज्यादा अच्छे से शूट नहीं कर सकती। तो अगर आप जैसे ही उरी बैंक के अंदर जाओगे, तो SNU वाले, कोई और ब्रांच नहीं, SNU के अंदर जो उरी बैंक है, जब आप वहां जाओगे तो आपको एक वेटिंग नंबर मिलेगा, आप वेट करोगे अपने टाइम का, और उसके बाद वो आपसे आपका SNU एडमिशन रिलेटेड कुछ मांगेंगे, या तो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, या फिर एस कार्ड मतलब स्टूडेंट कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ARC, बस एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड और पासपोर्ट इसमें था, मैंने ये दिया। मेरा एस कार्ड, जिसको मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन मेरी एक गंदी सी फोटो, और यहाँ पे हाँ मैं आपको पीछे से दिखा सकती हूँ बस, और ये पीछे हमारा सब कुछ लिखा होता है कि आपने कितने सेशन अटेंड किए सब कुछ। तो ये हमारा एस कार्ड है। मैंने तीनों चीज़ें दी और मैंने उनको बोला कि मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब क्योंकि मैं कोरियन में इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं समझ सकती हूँ कोरियन, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया, बता दिया कि भाई मैं कोरियन में इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, मुझे कोई एक ऐसा बता दो जो मुझे सारे रूल्स और सारी पॉलिसी और सब कुछ जो भी होता है वो मुझे इंग्लिश में अच्छे से समझा दे। तो उन्होंने किसी को कॉल किया और उन्होंने मुझे अच्छे से सब कुछ समझाया कि क्या क्या सीन होता है। तो होता क्या है, सिर्फ उरी बैंक में, मुझे बाकी बैंक का नहीं पता, उरी बैंक में आपको 20,000 won मंथली डिपॉजिट करने होते हैं। एक तरीके से वो आपके टीमनी कार्ड वाले चीज को भी सॉल्व कर देता है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होता है वो। तो आपको मंथली देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक डेट बतानी पड़ेगी कि उनको कि आप हर मंथ, मतलब वो आपके जो भी 20,000 won जो कट करेंगे हर मंथ, डिडक्ट करेंगे, कौन सी डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैंने उनको एक डेट दे दी, अब मंथली मेरे उसमें से पैसे कटते रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट अकाउंट है, तो आपको इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे सारी वो चीज़ें बताई, हो सकता है बैंक टू बैंक डिफर करे, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन उरी बैंक का उन्होंने मुझे सब बताया। उसके बाद कॉल कट हुआ, फिर वहाँ पे जो स्टाफ थी मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया सब कुछ बताने का। ID सेट करी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, और ऑनलाइन जो हमारा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही होता है, एप्लीकेशन के लिए ID, पासवर्ड, पिन नंबर, सब कुछ उन्होंने खुद मुझे बताया कि अब आप ये सब करते रहो। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत आराम से गाइड किया। उसके बाद उनके पास एक टच पैड होता है, आपके पास एक स्टाइलस होता है, और उसमें बस आपको कुछ नहीं करना होता, टिक 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 साइन और अपना नेम, टिक 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 साइन नेम बहुत बार करना होता है, क्योंकि ये सारा पेपर वर्क उन्होंने सारा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। तो एटलीस्ट हो सकता है आपको 6-7 बार टिक 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 नेम साइन, टिक 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 नेम साइन करना पड़ेगा, बस यही है। उसके बाद उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा ये कार्ड दिया, जिसको भी मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें भी मेरी सारी डिटेल्स है। आई एम रियली सॉरी, ये है मेरा कार्ड, या मास्टर कार्ड है बाय द वे, और हाँ इसमें मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकती, पीछे कुछ दिखाने का मतलब नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। अच्छा, इस कार्ड में क्या है कि इस कार्ड को हम एज अ टी मनी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब टी मनी कार्ड क्या होता है, जैसे इंडिया में हमारा एक मेट्रो कार्ड होता है ना मेट्रो में यूज़ करने के लिए, वैसे ही कोरिया में टी मनी कार्ड बोलते, उस मेट्रो कार्ड को टी मनी कार्ड बोलते हैं। और वो टी मनी कार्ड आपका कन्वीनियंस स्टोर, मुझे पता नहीं सारे कन्वीनियंस स्टोर में यूज़ हो सकता है नहीं, लेकिन कुछ कुछ कन्वीनियंस स्टोर्स, आपका सबवे और आपका बस, तीनों जगह पे सेम ही चीज यूज होती है। तो अब इस कार्ड को आप एज अ टी मनी कार्ड यूज करके जब आप सबवे में जाओगे या बस में जाओगे, तो आप टैप कर सकते हो और आपका काम आधा वैसे ही इजी हो गया। तो इस कार्ड को इस कार्ड को ऐसे टैप करो और मतलब ये आपका टी मनी कार्ड भी बन जाएगा, डायरेक्ट इसी से आपके पैसे कटेंगे। अब मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास तो टी मनी कार्ड है, तो मैं क्यों यूज़ करूँ सर एज अ टी मनी कार्ड। बहुत बार होता है कि मैं टी मनी कार्ड को लोड कराना भूल जाती हूँ, तो ये सही है, मुझे इसको लोड कराने की टेंशन नहीं है। और साथ में ये आपका हर जगह, इसको आप पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में, टी मनी मतलब बस में, सफेस में, और कहीं पे भी अगर आपको पेमेंट करनी हो, कन्वीनियंस स्टोर्स में, हर जगह आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया और फिर उन्होंने मुझे कुछ रिसीट्स दी और एक और कार्ड दिया जो पता नहीं, आई गेस मेरे बैग के अंदर है, मुझे मिलेगा। ये कुछ दो रिसीट्स दी जिसका दूसरी साइड में दिखा नहीं सकती क्योंकि डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये दो रिसीट्स दी और फिर मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इंडिया से ट्रांसफ़र कर पाऊँ या यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाऊँ या इंडिया से यहाँ पे आ पाएँ, तो आप मुझे उसके डिटेल्स दो, जैसे कि हमारा इंडिया में IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर, ये सब। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड
अकाउंट नंबर और ये सब मैं उन्होंने मुझे एक पेपर में मतलब प्रिंट आउट करके दे दिया अपनी सारी डिटेल्स. तो बस यही था सीन. मेरा 15 से 20 मिनट में मेरा पूरा बैंक अकाउंट वाला काम हो गया. मुझे कार्ड उसी वक्त मिल गया. मैं उसी वक्त से इसे यूज़ कर सकती हूँ. मतलब आप यूज़ कर सकते हो उसी वक्त से. और साथ में ही वो आपको आपके फ़ोन में उरी बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे देंगे. आपको लॉगिन करवा देंगे और आपको बता देंगे कि लॉगिन कैसे करना है, चेक कैसे करना है. वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन ना, बस एक कौन है इसका, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में है. आई गेस आप उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते. अब क्योंकि मुझे कुछ हद तक कोरियन पढ़ने आते तो मैं कर लेती हूँ, बट अगर आपको कोरियन पढ़नी नहीं आती तो आपको एटलीस्ट उनसे पूछना होगा कि मैं कहाँ 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 जाऊँ, और अल्फाबेट्स और इन सब के थोड़े से डिज़ाइंस आपको मैच करने पड़ेंगे अगर आपको नहीं पता. तो बेटर होगा कि अगर आप थोड़ी सी कोरियन पढ़ लो तो आप उसके बाद ऐप थोड़ा ज़्यादा ईजीली चला पाओगे. वरना अगर आपके पास दो फ़ोन है तो एक फ़ोन में ऐप खोलो, दूसरे फ़ोन से उसे ट्रांसलेट करो, जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था, उस ऐप में जाके करो. ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन देता है और उसे ऐसे ट्रांसलेट करके फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. तो बस यही था. अगर आप SNU में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बहुत ईजिली, बहुत आराम से खुल जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हज़ार डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आने हैं, RT-PCR ये वो, जो बेसिकली आपके पास हमेशा होता ही है, जैसे कि आपका एस कार्ड, स्टूडेंट कार्ड, ARC पासपोर्ट, ये सब लेके जाना है. हाथ के हाथ आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा. और क्योंकि उरी बैंक में आपको 20,000 डिपॉजिट देना होता है, 20,000 won डिपॉजिट देना होता है, तो उतना आपको लेके जाना पड़ेगा. बाकी का अगर मुझे नहीं पता शनहान में होता है कि नहीं होता, मैंने सुना नहीं होता है, तो शायद आपको वहाँ पे वो उतना भी लेके ना जाना पड़े. तो बस यही है. और हाँ, बाय द वे, वो डिपॉजिट वापस मिल जाता है जब आप वहाँ से अपना बैंक अकाउंट बंद करवा देते हो, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे. मैंने सोचा था कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ATM कैसे ऑपरेट करते हैं, और चाहे आपके पास फॉरेन कार्ड हो या कोरिया का कार्ड हो, या फिर आपको इंडिया से कितने पैसे लेके आने चाहिए, या कार्ड लेके आना चाहिए, कैश लेके आना चाहिए, क्या क्या सीन है. पर मुझे लगता है वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो वो मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल डिटेल में, ध्यान से, फोकस होके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. नेक्स्ट मतलब कोई आने वाली वीडियो में. तो आई होप अगर आप कोरिया आने वाले हो एज अ स्टूडेंट, आपको आइडिया हो गया हो कि कैसे काम होता है. जितना मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी में काइंड ऑफ सिमिलर प्रोसीजर ही होता होगा. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपका काम ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है SNU में थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बाहर मतलब बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है. जैसे ही मुझे पता लगेगा तो मैं आपको भी अपडेट करती रहूँगी. और अगर आप SNU के स्टूडेंट बनते हो आगे जाके, तो अगर आप SNU के स्टूडेंट बनते हो आगे जाके, तो एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है. मैंने आपको बिल्डिंग नंबर इस वीडियो में बता ही दिया है कि कौन से बिल्डिंग नंबर में आपको जाना है. डायरेक्ट वहां जाओ, मेरी तरह पागलों की तरह 1-1.5 घंटा घूमना मत. उस डायरेक्ट बिल्डिंग में जाना, अपना काम करना, 15 मिनट में आपका काम खत्म होकर आराम से रेस्ट करना है, जो करना होगा करना. सो यही. अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है BTS आर्मी के लिए. सो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मेरे चैनल में रहना. मुझे पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन पक्का आ जाएगी, हो सकता है एक दिन में आ जाए. तो यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर करना, भूलना मत. सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. एंड इफ यू डिड, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय.